दोस्तों आज हम बात करने वाले 40x40 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों दो रोड्स हैं, मतलब कि दो रोड्स पर यहाँ दो साइड्स ओपन हैं। और यहाँ पर जो मैंने नीचे मार्केट भी डिज़ाइन किया है, हमारे एक फ्रेंड्स हैं उनके कहने पर ये पूरा मॉडल डिज़ाइन किया, उन्हीं की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उनका आपस से कुछ बंटवारा होगा। तो ये आप जो दुकानें देख रहे हैं नीचे, जो शॉप देख रहे हैं, ये तीन दुकानें के नहीं और की हैं, ये उनकी दुकान है। तो उन्हीं का केवल मैंने यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन किया है। और बात बाकी अगर हम बात करें इस तरफ की, तो इधर भी एक रोड है और यहाँ पर मेन एंट्री इनका इस तरफ है। उसके अकॉर्डिंग ये वाला एरिया जो मैंने क्रिएट किया है ये उनका है। तो उन्हीं का पूरा मॉडल मैंने क्रिएट किया है 45x45 फीट में, जिसमें नीचे चार आपको दुकानें या शॉप मिल जाती हैं और इस तरफ आपको पूरा डिज़ाइन। इसी को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूँ कौन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो अगर हम बात करें इस तरफ, पहले जिस तरफ शॉप है, इस तरफ की डेकोरेशन, तो नीचे तो आपकी दुकान होगी। इसके बाद फिर देखिए डेकोरेशन के लिए मैंने फ्रंट एलिवेशन के लिए दुकानें ये क्रिएट कर रखा है। इसके बाद ये आपका देखिएगा एलिवेशन है और यहाँ पर कुछ डिज़ाइन क्रिएट किया, रेलिंग है। इसके बाद ये फ्रंट में डोर वगैरह दिया है, डिजाइनिंग के पर्पज़ से आप पट्टी वगैरह देख पा रहे होंगे। तो इसी मॉडल को पूरा आज हम डिस्कस करेंगे। और इधर हम बात करें तो ये भी फ्रंट एलिवेशन है। तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर की इसके बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। पहले इस साइड बात करें तो ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, जिससे कार पार्किंग का एरिया मैंने रखा है एक लंबा सा, उसी के नीचे स्टेयर्स बना दिए। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये मैंने विंडो दिया है फ्रंट में डिजाइनिंग के पर्पज़ से। और ये आपका पूरा कार पार्किंग एरिया है। फ्रंट में आपको एक गेस्ट रूम मिलता है, इसके लिए डोर और विंडो दिया है। और ये एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है, मास्टर बेडरूम, उसमें अटैच लेट एंड बाथ मैंने दिया है। और इन दोनों बेडरूम के बीच में एक और लेट एंड बाथ आपको मिलता है। इसके बाद आगे जाएंगे तो आपको ये किचन एरिया मिलता है, ये आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं। इधर की बात करें तो ये शॉप थी, शॉप से भी मैंने एंट्री इस घर में दी है। शॉप से पीछे एक डोर दिया है, इससे पीछे वाले बेडरूम से होते हुए यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम शॉप से जाना चाहें तो इस वाले बेडरूम में जाना होगा, इसके बाद पूरे घर में एंट्री होगी। अगर इधर से जाना चाहें तो फ्रंट डोर से आप जा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अगर हम बात करें चार बेडरूम मिलते हैं और एक शॉप मिलती है। ये किसी और के एरिया है दोस्तों, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो 45x45 में ये ग्राउंड फ्लोर बन के रेडी हो जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर क्रिएट किया है, बस नीचे जो शॉप थी वो अब यहाँ पर एक बेडरूम बन जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके पांच बेडरूम हो जाएंगे, तीन ऐसे बेडरूम और एक ये और एक ये, और पूरा एरिया वही है। ये आपका जो कार पार्किंग एरिया था, यह पूरा पोर्च एरिया बन जाएगा आप यहाँ पर, ये आपका किचन एरिया है। तो ग्राउंड फ्लोर की अगर हम फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये देखिए फ्रंट एलिवेशन जो बाउंड्री है लगभग 3 फीट का इधर मैंने निकाला, उसमें ये फ्रंट एलिवेशन क्रिएट किया है। ये पट्टी वगैरह जो आपका क्रिएट किया है वुडन वर्क है यहाँ पर, और एक सिंपल सा रेलिंग भी है। ये दुकानों में शटर वगैरह लगाया है। इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने बालकनी में आने के लिए एक डोर दिया है और ये दो विंडो दे दी हैं, जो एक पहले वाला विंडो, एक और विंडो वेंटिलेशन के लिए दे दिया इस साइड से। और पूरा सारी सेम वही सेम है। तो इसका फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये हो गया। लास्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो लास्ट फ्लोर पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है, चारों तरफ 3 फीट का बाउंड्री और ऊपर ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बना दी है। और फ्रंट में ये नीचे वाला डिज़ाइन दे दिया। इधर अगर हम बात करें इस साइड दुकान में, तो ये थोड़ा सा हट के डिज़ाइन मैंने दिया है, जो आपके एक घर को एक बेहतरीन सा लुक दे सकता है। तो ये पूरा 45x45 में मॉडल बनाकर रेडी मैंने किया है। और दोस्तों इसका 2D प्लान की अगर हम बात करें तो ये 2D प्लान सारी डिटेल, डोर वगैरह की, आपका डोर का साइज़ वगैरह, और ये आपका 2D प्लान है, यहाँ पर सारा साइज़ दिया रहता है। तो ऐसे ही वीडियो मैं लगातार क्रिएट करता रहता हूँ स्मॉल हाउस प्लान पर। मैंने दोस्तों पेड सर्विस भी स्टार्ट की है, अगर आप कोई भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो एक मैं 3D+2D बना कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पर पेड सर्विस हमारी रहती है। आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट किया जाता है। तो अगर कोई पेड सर्विस आप हमारी लेना चाहते हैं तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करेंगे। अगर हाउस का आप एस्टिमेट करना चाहते हैं कॉस्ट, तो आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।